पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री हरिवराज संकीर्तन सम्मेलन समिति का वार्षिक उत्सव का शुभारंभ हुआ। आयोजित कार्यक्रम को लेकर हिंदू मॉडल कॉलेज में भूमि पूजन हुआ, जिसमें पंडित लाल जी शास्त्री के कुशल नेत्रम में संपन्न हुआ। सम्मेलन के आयोजन को सफल करने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया, जिसमें सभी से अपील की गई कि सभी कार्यक्रम में आए और लाभ कार्यक्रम के विषय में बताते हुए कहा कि कार्यक्रम का सुंदर आयोजन किया जाएगा, जिसको दो भागों में किया जाएगा। कार्यक्रम में सुंदर झांकियां की जाएंगी जो सभी के आकर्षण का केंद्र बनेगी। हम हर एक व्यक्ति को अपने राष्ट्र से प्यार करना चाहिए और राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र उच्चता में जाए, ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। राम मंदिर को लेकर बात करिए। नहीं, अभी कुछ कहना शीघ्रता है। क्या कहें कि राम मंदिर बनना चाहिए? मैं कह रहा हूँ ना, अभी शीघ्रता है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अगर राजनीति की थोड़ी सी बात कर लें तो उसमें साधुओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और तपस्वियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या कहें, कैसी सरकार चली? मोदी खुद तपस्वी हैं, योगी खुद महात्मा हैं, ऐसे ही योगियों की और साधकों की हमें अपने नेताओं के रूप में ज़रूरत है। लेकिन जनताओं ने नकार रही लगा। जनता मूर्ख है, जनता बेवकूफ़ हैं, उनको अपने राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। वे लोग स्वार्थी हैं, उनके हृदय में ना परमार्थ है ना राष्ट्रवाद है, वो लालची हैं। जो लालच का टुकड़ा उनके आगे फेंक दे, वो उनके लिए उनका भगवान है। तो क्या कहें, सिर्फ एक लालच को लेकर बस वो लालची हैं और ये दुख उठाएंगे। क्या अपील रहेगी, क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए? बस वो ही कि अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें। योगी जैसे लोग हमारे यहाँ पैदा होना चाहिए, मोदी जैसे लोग पैदा होना चाहिए और उनको समझा जाना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो हम पश्चाताप की अग्नि में, हमारा देश बहुत समय तक जलेगा। सनातन धर्म, जहाँ हिंदुओं की बात आती है, वहाँ अब एक नया नारा शुरू हो गया है, जो राम मंदिर नहीं तो वोट नहीं। बस वो अगली बात है, वो खुद जाने। मेरा मतलब राष्ट्रवाद से है, राजनीति से नहीं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद द्वारा आयोजित भारत रत्न महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन 25 दिसंबर 2018 मंगलवार प्रातः 10 बजे से, स्थान चित्रगुप्त इंटर कॉलेज एकता द्वार मुरादाबाद। आप सभी सपरिवार कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उद्बोधन। मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र शर्मा एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंद्रदेव त्रिवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर के मिश्रा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, डॉक्टर मीना कौल राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा, प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रदीप शर्मा वरिष्ठतम रंगकर्मी, महिला आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद, 66वां वार्षिक उत्सव और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस। आमंत्रित विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत सामश्रमी पानीपत, भजन उपदेशिका संतोष वाला सोनीपत हरियाणा। कार्यक्रम 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार। विषय स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर विशेष। समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार। विषय यज्ञ में मानव जीवन, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। विषय आर्य समाज और राष्ट्र चिंतन, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 25 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार। विषय यज्ञ और पूर्णाहुति, प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक। विषय वेदों में नारी का स्थान, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। निवेदक प्रधाना सुदेश आर्य, मंत्राणी कमलेश गोयल, कोषाध्यक्षा उषा गुप्ता। पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री हरिवराज संकीर्तन सम्मेलन समिति का वार्षिक उत्सव का शुभारंभ हुआ। आयोजित कार्यक्रम को लेकर हिंदू मॉडल कॉलेज में भूमि पूजन हुआ, जिसमें पंडित लाल जी शास्त्री के कुशल नेत्रम में
संपन्न हुआ। सम्मेलन के आयोजन को सफल करने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया, जिसमें सभी से अपील की गई कि सभी कार्यक्रम में आए और लाभ कार्यक्रम के विषय में बताते हुए कहा कि कार्यक्रम का सुंदर आयोजन किया जाएगा जिसको दो भागों में किया जाएगा। कार्यक्रम में सुंदर झांकियां की जाएंगी जो सभी के आकर्षण का केंद्र बने। का अधिवेशन श्री हरिविराट संकीर्तन सम्मेलन का होने जा रहा है, जिसके आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है, कल नगर शोभा यात्रा निकलेगी बाजी ग्रांड स्ट्रीट से मंडी चौक अमरोहा गेट गंज कुरट्टी और ताड़ी खाने के चौराहे से होती हुई बुद्ध बाजार होती हुई हिंदू मॉडल स्कूल पर आकर उत्पन्न हुई। पिछले कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है? ये 79वां वर्ष है, 79 वर्ष से सतत कार्यक्रम चलता था। इसमें सुबह के सत्र में रासलीला होगी 10 बजे से 3 बजे तक, और दूसरे सत्र में जो महापुरुष आए हुए हैं विभिन्न जगहों से उनके प्रवचन आदि होंगे, और बुध के दिन इसका भंडारा होगा, तब ये समापन। सर, महानगर के धर्म प्रेमियों से क्या आह्वान करना चाहिए? महानगर के धर्म प्रेमियों से ये आह्वान है कि इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर धर्म लाभ प्राप्त। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद द्वारा आयोजित भारत रत्न महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन 25 दिसंबर 2018 मंगलवार प्रातः 10 बजे से, स्थान चित्रगुप्त इंटर कॉलेज एकता द्वार मुरादाबाद। आप सभी सपरिवार कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उद्बोधन। मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र शर्मा एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंद्रदेव त्रिवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर के मिश्रा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, डॉक्टर मीना पॉल राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा, प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रदीप शर्मा वरिष्ठतम रंग कर्मी, महिला आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद, 66वां वार्षिक उत्सव और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस। आमंत्रित विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत सामश्रमी पानीपत, भजन उपदेशिका संतोष वाला सोनीपत हरियाणा। कार्यक्रम 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार, विषय स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर विशेष, समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार, विषय यज्ञ में मानव जीवन, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक, विषय आर्य समाज और राष्ट्र चिंतन, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 25 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार, विषय यज्ञ और पूर्णाहुति, प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक, विषय वेदों में नारी का स्थान, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। निवेदक प्रधाना सुदेश आर्य, मंत्राणी कमलेश गोयल, कोषाध्यक्षा उषा गुप्ता। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के वनस्पति विभाग में 3 दिवसीय एक्टिव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अलका सिंह ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कॉलेज के प्राचार्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर अलका सिंह ने बताया कि इस तरह की एक्टिव प्रतियोगिता कराने का मकसद बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन करना भी है। इस दौरान भारी संख्या में छात्र छात्राएं थे और इसका समय पुष्टा भी मांगी गई। ये कार्यक्रम असल में 3 दिन से चल रहा है हमारा। 3 दिन की वर्कशॉप हम हर साल करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स और ट्रेनिंग्स वगैरह रखते हैं, और आज उसका मीटिंग रिट्रीट है, यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी और कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह, वो चीज़ें हम आज सेलिब्रेट करें। बच्चों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें एक कंपटीशन था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, उसमें 24 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और कल निबंध प्रतियोगिता से जिसमें करीब 52 के अराउंड बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मैम, क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये देना चाहूँगी कि
टीचिंग और क्लासेस तो अपनी जगह है ही, लेकिन ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कॉम्पिटिशन का दौर है, तो बच्चों को बाहर निकल के सब जगह कम्पीट करना है। टेक्नोलॉजी भी उन्हें आनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप जानते हैं हर चीज़ में इन्हीं चीज़ों की, PPT के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो अब ये बच्चों को पूरा काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है। महिला आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद 66वां वार्षिक उत्सव और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस, आमंत्रित विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत सामश्रमी पानीपत, भजन उपदेशिका संतोष वाला सोनीपत हरियाणा। कार्यक्रम 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार। विषय स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर विशेष। समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार। विषय यज्ञ में मानव जीवन, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। विषय आर्य समाज और राष्ट्र चिंतन, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 25 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार। विषय यज्ञ और पूर्णाहुति, प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक। विषय वेदों में नारी का स्थान, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। निवेदक प्रधाना सुदेश आर्य, मंत्राणी कमलेश गोयल, कोषाध्यक्षा उषा गुप्ता। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद द्वारा आयोजित भारत रत्न महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन 25 दिसंबर 2018 मंगलवार प्रातः 10 बजे से, स्थान चित्रगुप्त इंटर कॉलेज एकता द्वार मुरादाबाद। आप सभी सपरिवार कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उद्बोधन। मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र शर्मा एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंद्रदेव त्रिवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर के मिश्रा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, डॉक्टर मीना कौल राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा। प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वरिष्ठतम रंग कर्मी। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़। महाराजा हरिश्चंद्र PG कॉलेज में 24BN NCC छात्र इकाई द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसका विषय भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत बनाओ रखा गया। रैली में NCC कैडेटों ने लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करते हुए भ्रष्टाचार को देश से मिटाने की शपथ ली। रैली का संयोजन NCC छात्र इकाई प्रभारी और समाज शास्त्र विभागा अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार दीक्षित ने किया। NCC कैडेटों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनवरत जागरूकता फैलाने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्र को जीर्ण करने वाली बीमारी है, जिसे समाप्त करने के लिए हमें इच्छा शक्ति और आपसी सहयोग से कार्य करना होगा। डॉक्टर मीना कौल ने कहा, सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए, राष्ट्र सेवा के अखंड व्रत का पालन बनना चाहिए। सभी शिक्षक साथियों ने NCC कैडेटों को अपने आशीर्वचन प्रदान किए। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए इकाई को भी अपनी बधाई प्रदान की। रैली में NCC कैडेटों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया, जिसमें कुश कुमार सिंह, शाले आलम, निर्देश सिंह, शुभम राजपूत, मोहम्मद सुहेल, लव कुमार सिंह, मोहम्मद हाशिम, चंद्रवीर आदि के साथ और भी लोग मौजूद रहे। मैं अजीत कुमार दीक्षित NCC प्रभारी और विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र विभाग हूँ। आज हमारे NCC कैडेट्स के द्वारा भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसके माध्यम से लोगों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक किया गया है। भ्रष्टाचार आमतौर से देखा गया है एक बीमारी की तरह अपने देश में फैलता जा रहा है, जो धीरे धीरे ही देश को खोखला करता जा रहा है। इसके विरुद्ध हमारे कैडेट्स की एक मुहिम है कि भ्रष्टाचार को लोगों के मन से दूर किया जाए, लोग आपस में सहयोग के साथ काम करें, निष्ठा के साथ काम करें, देश को सर्वोपरि रखें और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में सभी लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, यही इस मुहिम का उद्देश्य है। ठीक है, समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज में ये मैसेज देना चाहेंगे इस रैली के माध्यम से कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी देश का नागरिक है, उसको सभी को एक साथ रह के, एकजुट होके
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। देश को बचाने के लिए भ्रष्टाचार को मिटाना बहुत आवश्यक हो गया है। महिला आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद 66वां वार्षिक उत्सव और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस आमंत्रित विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत सामश्रमी पानीपत भजन उपदेशिका संतोष वाला सोनीपत हरियाणा कार्यक्रम 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार विषय स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर विशेष समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक दिनांक 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार विषय यज्ञ में मानव जीवन प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक विषय आर्य समाज और राष्ट्र चिंतन शाम 6 बजे से 8 बजे तक दिनांक 25 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार विषय यज्ञ और पूर्णाहुति प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक विषय वेदों में नारी का स्थान प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक निवेदक प्रधाना सुदेश आर्य मंत्राणी कमलेश गोयल कोषाध्यक्षा उषा गुप्ता अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद द्वारा आयोजित भारत रत्न महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन 25 दिसंबर 2018 मंगलवार प्रातः 10 बजे से स्थान चित्रगुप्त इंटर कॉलेज एकता द्वार मुरादाबाद आप सभी सपरिवार कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन सरस्वती वंदना सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उद्बोधन मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र शर्मा एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रदेव त्रिवेदी राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर के मिश्रा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा डॉक्टर मीना कौल राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रदीप शर्मा वरिष्ठतम रंग कर्मी पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक बार फिर सरकारी डॉक्टरों और स्टाफ की वजह से एक नवजात शिशु की बलि चढ़ गई। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में ही स्टाफ ने समय से पहले महिला का प्रसव करा दिया जिसकी वजह से नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया तो पुलिस भी आ गई और मामले को शांत कराया। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा चिकित्सालय का है। अस्पताल में नर्सों द्वारा गर्भवती और उसके परिजनों को डरा धमका कर जबरन महिला का प्रसव करा दिया गया। समय से पहले डिलीवरी हुई जिसकी वजह से नवजात शिशु की मौत हो गई। गर्भवती की हालत भी नाजुक बनी हुई है। नवजात की मौत पर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही महिला चिकित्सालय में डॉक्टरों पर भी आरोप लगाए। परिजनों के अनुसार राजीव कुमार अपनी पत्नी नेहा को परिवार के साथ ठाकुर द्वारा सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन महिला चिकित्सालय में कोई भी मौजूद नहीं था। घंटों के इंतजार के बाद स्टाफ मिला और स्टाफ ने जब महिला चिकित्सक को फोन किया तो उसके बाद भी वो नहीं आई, जिसके बाद वहाँ मौजूद स्टाफ नर्सों ने ही गर्भवती की डिलीवरी करा दी जिसकी वजह से नवजात की मौत हो गई और परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। उन्होंने पैदा कर रहे थे ये और घोंसे फेर रहे थे ऊपर से। एक लड़की घोंसे फेर रही थी और दो एक बुढ़िया एक लड़की जबरिया कर रही थी। घोंसे किसके करके घोंसे फेर रहे थे? नुकर के खड़ी होकर बेंच पे उस पे और ऐसा करके खड़ी थी जोर जोर से नुकर के। महिला के? हाँ, इसकी मम्मी का। ऐसे कोई बच्चे पैदा हो जैसे ये करा? मम्मी कैसी है इनकी? मम्मी तो ठीक है। मम्मी को नॉर्मल है। पैदा हुआ? 8 बजे। मम्मी ऑक्सीजन 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 FIR बच्चा सही सलामत चाहिए। मेरा बच्चा चाहिए सही। बच्चे का एक्सपायर तो नहीं हुआ अभी फिलहाल, दिल की धड़कने चलनी है, लेकिन डॉक्टरों ने बिल्कुल रफा दफा कर दिया, कहीं से भी हर जगह से मना कर दिया गया है अभी बच्चे को। अभी क्या चाहते हो? मैं बच्चा सही सलामत चाहता हूँ और आगे को इस हॉस्पिटल में कोई ऐसा बच्चे के साथ ऐसी व्यवहार ना हो, मैं ये चाहता हूँ। बाकी भाइयों ने कराया डिलीवरी, डॉक्टर ने कोई मौके पे नहीं था? नहीं, डॉक्टर नहीं, केवल एक थी, बाकी भाई काम कर रही थी। मैं तो बच्चा सही सलामत चाहता हूँ, वरना FIR करूँगा सबके नाम की। हाँ देखो, वो गायनी वाले ही बता पाएंगे जो भी है, जिसने डिलीवरी की है, जो सिस्टर होगी वहाँ पे, जो गायनी वाले डिपार्टमेंट वाले लोग होंगे वो ही इस बारे में बता पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है।
है ना, क्योंकि हम लोग तो इमरजेंसी मेडिकल। क्या कंडीशन है बच्चे? अभी बच्चे की कंडीशन तो सीरियस ही है ना, लेकिन अभी ये तो नहीं कह सकते कि हम किस वजह से हुआ है, क्या रहा है, रीजन क्या है। पुलिस चेक करना पड़ेगा कि कल कौन। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद द्वारा आयोजित भारत रत्न महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन 25 दिसंबर 2018 मंगलवार प्रातः 10 बजे से, स्थान चित्रगुप्त इंटर कॉलेज एकता द्वार मुरादाबाद। आप सभी सपरिवार कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उद्बोधन। मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र शर्मा एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंद्रदेव त्रिवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर के मिश्रा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, डॉक्टर मीना पॉल राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा। प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वरिष्ठतम रंगकर्मी। महिला आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद 66वां वार्षिक उत्सव और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस। आमंत्रित विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत सामश्रमी पानीपत, भजन उपदेशिका संतोष वाला सोनीपत हरियाणा। कारेक्रम 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार। विषय स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर विशेष। समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार। विषय यज्ञ में मानव जीवन, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। विषय आर्य समाज और राष्ट्र चिंतन, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 25 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार। विषय यज्ञ और पूर्णाहुति, प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक। विषय वेदों में नारी का स्थान, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। निवेदक प्रधाना सुदेश आर्य, मंत्राणी कमलेश गोयल, कोषाध्यक्षा उषा गुप्ता। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस लगातार बदमाशों के हौसले पस्त करने में जुटी है, जिसके तहत बीती देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें, पकड़े गए दोनों अपराधी नागफनी थाना क्षेत्र में पीतल कारोबारी के यहां हुई लूट की घटना में मुख्य आरोपी हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, जिसके तहत मुठभेड़ में शामिल 5 बदमाशों में से 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए। इसी बीच 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो वहीं बीच शहर में मुठभेड़ से क्षेत्र की जनता भी दहशत में आ गई। दरअसल पूरा मामला यूपी के मुरादाबाद का है, जहां पर नागफनी थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। तो वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश 1 माह पूर्व नागफनी थाना क्षेत्र में ही पीतल कारोबारी के घर लूट की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें दोनों मुख्य आरोपी हैं। पुलिस लगातार बदमाशों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी। इसके बाद जब देर रात पुलिस गश्त कर रही थी, तभी ये बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। समय रहते पुलिस ने सिविल लाइन्स थाने में फोन करके जानकारी दी और दोनों तरफ से घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। लेकिन जब बदमाशों की तरफ से फायर किए गए, तो पुलिस ने भी अपने बचाव में बदमाशों के ऊपर फायर कर दिए, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी और घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लगभग 1 माह पूर्व लूट की घटना घटित हुई थी पीतल कारोबारी की। उसी घटना के नाम रणतु बरसत प्रयास हेतु थाना नागफनी और SSG की ज्वाइंट टीम जो है लगी हुई थी। आज उसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि 2 बाइक पर कुछ बदमाश जो हैं, जो उस घटना में संलिप्त थे, आज रास्ते से गुजरेंगे। और उसी पर जब थाना नागफनी और SSG ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान उनका पीछा किया गया, तो वे लोग तेज रफ्तार से वहाँ से भाग गए। उनका पीछा करने के दौरान जब द्वारा RT सेट कंट्रोल रूम के माध्यम से सिविल लाइन को सूचना मिली, तो सिविल लाइन की टीम द्वारा सामने से उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर स्वयं को घिरा हुआ देखकर उन्होंने अपनी बाइक को पीछे मोड़ लिया और पीछे से नागफनी पुलिस और SSG टीम जो आ रही थी उन पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा जब टीम के द्वारा उन पर फायरिंग की गई, तो 2 बदमाश जिनका नाम आसिफ और शारिक के नाम पर पता चला है, उनके पैरों पर घुटनों पर गोली लगी और कुल मिलाकर 5 राउंड पुलिस और बदमाशों की तरफ से फायर। और सर, क्या इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किस घटना के लास्ट टाइम इन्होंने करा, जिसके भी आप पे ये अभी दबिश में चल रहे? देखिए, प्रथम दृष्टि अभी तक जो पता चल पाया है, लगभग 1 माह पूर्व नागफनी में किसरौल क्षेत्र में एक पीतल कारोबारी के यहाँ पर
लूट की घटना घटित हुई थी, ये दोनों उसी में संलिप्त हैं और इनका पूर्व में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड लूट और डकैती घटनाओं में रहा है। एक आसिफ जो है वो कलछेद थाना क्षेत्र का एचएस मालूम हुआ। इनके पास से क्या क्या बरामदी है? मतलब अभी तक जो घटनास्थल पर एक बाइक और दो तमंचे मौजूद थे वो इन दोनों के कब्जे से बरामद किए गए। क्या वहाँ पर कोई ज्वेलरी भी बरामद हुई है? इनके कब्जे में इनके जेब से कुछ ज्वेलरी जो है वो वहाँ पर घटनास्थल पर गिर गई है, उसकी शिनाख्त करवाई जा रही है। हो सकता है वो ज्वेलरी जो है वो इस घटना में जो लूटी गई थी वो उससे संबंधित हो सकती है। सर कितने लोगों की गोली लगी? दो व्यक्ति। सर क्या इनके कोई और भी साथी जिनको ये अभी मतलब जो सूचना जानकारी दे रहे हो कि कोई और भी इनके साथ शामिल हो? ये टीम जो पीछा कर रही थी वो दो बाइकों पर पांच लोग सवार थे, जिसमें से एक बाइक पर तीन लोग जो सवार थे वो भागने में सफल रहे हैं। दो लोग हमारे कब्जे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद द्वारा आयोजित भारत रत्न महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन 25 दिसंबर 2018 मंगलवार प्रातः 10 बजे से, स्थान चित्रगुप्त इंटर कॉलेज एकता द्वार मुरादाबाद। आप सभी सपरिवार कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उद्बोधन। मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र शर्मा एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंद्रदेव त्रिवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर के मिश्रा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, डॉक्टर मीना कौल राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा, प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रदीप शर्मा वरिष्ठतम रंगकर्मी, महिला आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद, 66वां वार्षिक उत्सव और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस। आमंत्रित विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत सामश्रमी पानीपत, भजन उपदेशिका संतोष वाला सोनीपत हरियाणा। कार्यक्रम 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार। विषय स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर विशेष। समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार। विषय यज्ञ में मानव जीवन, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। विषय आर्य समाज और राष्ट्र चिंतन, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 25 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार। विषय यज्ञ और पूर्णाहुति, प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक। विषय वेदों में नारी का स्थान, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। निवेदक प्रधाना सुदेश आर्य, मंत्राणी कमलेश गोयल, कोषाध्यक्षा उषा गुप्ता। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के विशेष 7 दिवसीय आवासीय शिविर का उद्घाटन समारोह विद्यालय प्रांगण में आरंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय, वरिष्ठ समाज सेवी विद्यालय के प्रबंधक श्री अनिल कुमार शर्मा, अजीत कुमार दत्त विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री उमेश कुमार सिंह एवं कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रंजना गौर के द्वारा माँ शारदा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया व पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रथम दिवस में वृक्षारोपण जल व भू संरक्षण दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिविर में उपस्थित छात्रों को अपने संबोधन में बताया कि आज देश में सबसे निकट समस्या प्रदूषण की है, इसलिए प्रत्येक छात्र को अपने आसपास वृक्षारोपण एवं उसका पालन अवश्य करना चाहिए। अब इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक श्री अनिल शर्मा जी ने अपने संबोधन में बताया कि पौधे लगाने से प्रदूषण की समस्या में समाधान के साथ साथ के भूमि में कटान को भी रोका जा सकता है, जो कि आज की विकट समस्या बनती जा रही है। आज हमारे विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन है, जिसमें 50 स्वयंसेवकों ने प्रतिभाग किया है और आज वृक्षारोपण, भू संरक्षण और जल संरक्षण का विषय लेकर उन्होंने क्षेत्र में रैली जगाई है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। ये बच्चियाँ लगातार 7 दिन तक हमारे इस विद्यालय में रहकर निवास रुक कर अपने क्षेत्र में अलग अलग विषयों पर अलग जगाएंगी, जिसका उद्घाटन डॉक्टर श्रीमती प्रेमवती उपाध्याय जी ने किया है। सर क्या उद्देश्य है इसका?
इस शिविर का विशेष उद्देश्य छात्रों में स्वयं कर दूसरों को सिखाने की जागरूकता को फैलाना है। विशेषकर ये छात्राएं क्षेत्र में जाकर वहां की समस्याओं को जानकर उनको किस प्रकार से फेस किया जाए, सामना किया जाए और कैसे निकला जाए, ये उद्देश्य लेकर यहाँ सीखते हैं। सर लगभग कितनी छात्राओं ने प्रतिभाग किया? पूरी 100 की वैसे यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पर विशेष शिविर में 50 बच्चियों को प्रतिभाग करना होता है, तो आज 50 छात्राओं ने यहाँ पर भाग लिया है। सर किसी अन्य स्कूल की छात्राओं ने भी प्रतिभाग? नहीं, इसमें केवल विद्यालय की ही छात्राओं को ये मौका दिया जाता है। विद्यालय से 100 बच्चियों का नामांकन होता है और उनमें से 50 बच्चियों का चुनाव किया जाता है। सर आगे किस स्तर पर ये प्रोग्राम कराने की? ये हर वर्ष प्रोग्राम एक दिवसीय के रूप में 4 बार और 7 दिवसीय के रूप में सब वर्ष में 1 बार मनाया जाता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद द्वारा आयोजित भारत रत्न महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन 25 दिसंबर 2018 मंगलवार प्रातः 10 बजे से, स्थान चित्रगुप्त इंटर कॉलेज एकता द्वार मुरादाबाद। आप सभी सपरिवार कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उद्बोधन। मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र शर्मा एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंद्रदेव त्रिवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर के मिश्रा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, डॉक्टर मीना कौल राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा। प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रदीप शर्मा, वरिष्ठतम रंग कर्मी। महिला आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद 66वां वार्षिक उत्सव और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस। आमंत्रित विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत सामश्रमी पानीपत, भजन उपदेशिका संतोष वाला सोनीपत हरियाणा। कार्यक्रम 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार। विषय स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर विशेष। समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार। विषय यज्ञ में मानव जीवन, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। विषय आर्य समाज और राष्ट्र चिंतन, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 25 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार। विषय यज्ञ और पूर्णाहुति, प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक। विषय वेदों में नारी का स्थान, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। निवेदक प्रधाना सुदेश आर्य, मंत्राणी कमलेश गोयल, कोषाध्यक्षा उषा गुप्ता। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। मुरादाबाद के सभी रोटरी क्लबों की संयुक्त टीम द्वारा 2019 और 20 के लिए निर्वाचित मंडल अध्यक्ष रोटेरियन हरि गुप्ता और प्रथम लेडी मंडल अध्यक्ष हरि गुप्ता को 8 जनवरी को अमेरिका प्रशिक्षण पर जाने के लिए शुभकामनाएं दी गई। दिल्ली रोड स्थित होटल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप जलाकर किया। अनुराधा डॉक्टर अनुराधा गुप्ता, डॉक्टर बबीता गुप्ता, माधुरी गुप्ता, अनीता राज ने स्वागत गान प्रस्तुत किया। निर्वाचित मंडल अध्यक्ष रोटेरियन हरि गुप्ता ने सभी क्लबों के रोटेरियन और एनीज का अभिवादन करते हुए आभार जताया। अनुज अग्रवाल ने मंडल अध्यक्ष का बायोडाटा पढ़ा। समन्वय अंशुल शर्मा और सुरेश अग्रवाल ने बताया कि रोटेरियन अब मिजेल्स रुबेला टीकाकरण में सहयोग करेंगे। इस मौके पर अमित कुमार अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, महेंद्र खंडेलवाल, दीपक सक्सेना, श्रीकांत गोयल, अर्चना, राकेश सिंघल सहित सैकड़ों रोटेरियन मौजूद रहे। सर आपका सम्मान हुआ, कैसे महसूस हो रहा है आपको? ये सम्मान रोटरी का सम्मान है, ये इंडिविजुअल हरि गुप्ता का सम्मान नहीं, मंडल 3100 का सम्मान है और रोटरी का सम्मान जहाँ पर है तो डेफिनेटली वो खुशी एक जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण खुशी होती है और यह पल मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल है और मैं इसे बहुत इंजॉय करता हूँ। रोटरी के सभी संगठनों से क्या कहना चाहेंगे जितने मेंबर्स हैं? देखिए रोटरी तो अपने में ही एक ऐसा संगठन है जो सबसे अलग हटकर काम करता है और वर्ल्ड वाइड ये संस्था शायद अपने में ही अनूठी है। जिस तरीके से रोटरी ने पोलियो को ख़त्म किया, अब वह मीजल्स रुबेला और उसका नेक्स्ट मिशन है लिटरेसी। तो रोटरी अपने में ही जो काम करती है
वही अपने क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, रोटरी अपने में ही एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है और समाज के लिए कार्य करती है, और यह इसके अंदर हमारे हर शहर के अच्छे अच्छे नागरिक यहाँ के मेंबर हैं जो अपने में ही समाज सेवा के लिए आगे रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी मुरादाबाद वासियों से, आप लोग आगे आएँ, रोटरी से जुड़ें और इस समाज की सेवा करें इस रोटरी के माध्यम से। यही लोग मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। आप गवर्नर बन के जब मुरादाबाद आएंगे तो आपके द्वारा क्या कार्य कराया जाएगा, महत्वपूर्ण कार्य? आप जब ट्रेनिंग के बाद मतलब जब मुरादाबाद आएंगे तो आपके द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य कराया जाएगा? देखिए, मैं यहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर अमेरिका जा रहा हूँ, जिससे मैं यहाँ पर आकर कोई भी प्रोजेक्ट्स जैसे ई लर्निंग है, कंप्यूटर क्लासेज, कंप्यूटर कोर्सेज हैं और टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, कुछ एम्बुलेंसेज हैं, कुछ एक्सरे मशीन्स हैं, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं यहाँ से 40 से 50 प्रोजेक्ट्स लेकर जा रहा हूँ, जिनको मैं वहाँ से पास करा के लाऊँगा और यहाँ पर आकर उनको कार्य कराऊँगा। देखिए, हमारे मंडल रोटरी क्लब जो आने वाले गवर्नर हैं, स्टेट गवर्नर इलेक्ट रोटरी क्लब हरि गुप्ता जी, आज मुरादाबाद के सभी रोटेरियंस मिलकर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनको जो आगे आने वाली जो ट्रेनिंग है उनकी, जो रोटरी की तरफ से आयोजित करी जाती है, उसके पे जाने वाले हैं, तो हम सारे रोटेरियंस मिलकर उन्हें बहुत बहुत यहाँ पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और इसमें मुरादाबाद के जो सभी रोटरी क्लब्स हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके सारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, मेंबर्स और अब और हमारे जितने भी पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रह चुके हैं वो भी सारे यहाँ पर शामिल हुए हैं, और उनको सब शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आगे जो उनकी बॉन्ड वॉयज है वो बहुत बहुत शुभ हो, और मुरादाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, जो 3100 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वो बहुत अच्छी तरह से हमारे मंडल का रिप्रेजेंटेशन करें और वहाँ की जो ट्रेनिंग उन्हें मिले उसका लाभ हमारे डिस्ट्रिक्ट को मिले। उसी के लिए हमने ये बॉन्ड वॉयज का आयोजन किया है और आप देख सकते हैं कि कितने शान से ये आयोजन किया गया है। आगे की क्या रणनीति है? देखिए, आगे हर साल रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से जितने भी गवर्नर होते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग सेशन कराया जाता है, तो उस ट्रेनिंग सेशन में आगे का जो उनको मार्गदर्शन मिलता है कि अगले साल रोटरी की क्या क्या मिशंस रहेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जिसके लिए जो हमारे गवर्नर है वो वहाँ जाते हैं, और फिर हमारे क्लब्स के जो आगे आने वाले साल प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होंगे उनकी जो ट्रेनिंग है वो आयोजन की जाएगी। वो ट्रेनिंग संभवतः जयपुर में आयोजन किया जाएगी, जिसे हम पैट सेट बोलते हैं। उसके अलावा जितने भी असिस्टेंट गवर्नर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होने वाली है, वो आगरा में होने वाली है। तो सबसे पहले हमारे मंडल अध्यक्ष ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद जो भी उनका वहाँ पर एक्सपीरियंस होगा वो अपने असिस्टेंट गवर्नर्स को, प्रेसिडेंट्स को, सेक्रेटरीज को इम्पार्ट करेंगे, जिससे आगे आने वाले रिसर्च में रोटरी क्लब पूरा जो भी उसके ऑब्जेक्टिव होंगे उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। मैसेज क्या रहेगा? मैसेज यही है कि रोटरी का देखिए उद्देश्य यही रहता है कि सर्विस अबव सेल्फ, की सेवा स्व से ऊपर। तो हम लोग फेलोशिप के साथ साथ सामाजिक जो जितने भी कार्य हैं वो उसमें जी जान से लग जाते हैं सारे रोटेरियंस मिलके, और आप देख सकते हैं कि जो भी देश का उद्देश्य होता है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं मिजल्स और रुबेला का टीकाकरण कराया जा रहा है, उससे पहले पॉलीथिन बैन के ऊपर आया था तो भी रोटरी क्लब के मेंबर्स ने बढ़ चढ़ के क्लोथ बैग डिस्ट्रीब्यूट कराए थे और पॉलीथिन बंद का बहुत विशाल आयोजन किया था। तो रोटरी समाज के जितने भी कार्य होते हैं उसमें सरकार के साथ, एन जी ओ के साथ कदम मिला के चलता है, और अपनी ड्यूटी समझते हुए सारी समाज में ये मैसेज देता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महानगर मुरादाबाद द्वारा आयोजित भारत रत्न महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन 25 दिसंबर 2018 मंगलवार प्रातः 10 बजे से, स्थान चित्रगुप्त इंटर कॉलेज एकता द्वार मुरादाबाद। आप सभी सपरिवार कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं उद्बोधन। मुख्य अतिथि ज्ञानेंद्र शर्मा एडवोकेट राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंद्रदेव त्रिवेदी राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर के मिश्रा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, डॉक्टर मीना पॉल राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा, प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्रदीप शर्मा वरिष्ठतम रंगकर्मी, महिला आर्य समाज स्टेशन रोड मुरादाबाद, 66वां वार्षिक उत्सव और अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस,
आमंत्रित विद्वान वैदिक प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत सामश्रमी पानीपत, भजन उपदेशिका संतोष वाला सोनीपत हरियाणा। कार्यक्रम 23 दिसंबर 2018 दिन रविवार। विषय स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर विशेष। समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 24 दिसंबर 2018 दिन सोमवार। विषय यज्ञ में मानव जीवन, प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक। विषय आर्य समाज और राष्ट्र चिंतन, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। दिनांक 25 दिसंबर 2018 दिन मंगलवार। विषय यज्ञ और पूर्णाहुति, प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक। विषय वेदों में नारी का स्थान, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। निवेदक प्रधाना सुदेश आर्य, मंत्राणी कमलेश गोयल, कोषाध्यक्षा उषा गुप्ता।